हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस Hg2+ गिव्स Hg2+ इलेक्ट्रॉन। द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एच एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 2.18 इनटू 10^-18 जूल पर एटम। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, वैसा एनर्जी जिससे क्या होता है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल सकें। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है उसी को हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, और वो आयनाइजेशन एनर्जी एच एटम का दिया हुआ है ग्राउंड स्टेट पे, वो है 2.18 × 10^-18 जूल पर एटम। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो एनर्जी एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस हाइड्रोजन लाइक स्पेसिस किससे डिनोट किया जाता है, EN इक्वल टू −2.18 × 10^-18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। ठीक है, ये इसलिए है। तो अगर यहाँ पे अगर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम है, अगर ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम तो ये ई नोड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी माइनस ई एन ई वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से ये ई इन्फिनिटी 0 माइनस ये हो जाएगा −2.18 × 10^-18। अब यहाँ पे ई वन का वैल्यू जो है होगा, यहाँ पर जेड का वैल्यू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है तो जेड का वैल्यू भी 1 हो जाएगा और एन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो ई नॉट का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2.18 × 10^-18 जूल। ठीक है, ये ई नॉट का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है Hg2+ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। कहाँ से रिमूव हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम N1 to N∞। मतलब कि यहाँ पे N1 से रिमूव हुआ और N∞ में चला गया। तो ई नोट जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटिव माइनस ई वन। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर वैल्यू देखोगे तो ई इन्फिनिटिव हो गया 0, ई वन का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ये हो जाएगा −2.18 × 10^-18। और यहाँ पर जो एन स्क्वायर बाय सॉरी जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होगा, तो जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि हीलियम है तो हीलियम का जेड स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे 1 होगा, तो एन का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ पर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा −2.18 × 10^-18 × 4। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8.72 × 10^-18 जूल। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 8.72 × 10^-18 जूल एनर्जी चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।